हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल अचीव योर ड्रीम्स में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल। सौरमंडल, सबसे पहले जानते हैं सौरमंडल होता क्या है। तो सौरमंडल होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है, क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित है, और सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। अब सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। शुरू में ये माना जाता था कि सूर्य जो है वो हमारी दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र पर स्थित है, लेकिन बाद में पता चला कि सूर्य एक किनारे हमारी मंदाकिनी के एक सिरे पे स्थित है, एक किनारे पे स्थित है। तो सौरमंडल कहाँ पे, सूर्य कहाँ स्थित है सौरमंडल में? सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष यानी 250 मिलियन वर्ष है, और जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्ण करता है। सूर्य जो है एक गैसीय गोला होता है, जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% है। और सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, और सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान 1.5×10^7 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6,000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य का वह भाग जहाँ जो प्रकाशित रहता है उसको कहते हैं प्रकाश मंडल कहते हैं। और सूर्य के किनारे प्रकाशमान नहीं होते, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं, और ये लाल रंग का होता है। तो सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। और सूर्य के किनारे प्रकाशमान नहीं होते, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, और इसे वर्णमंडल कहते हैं। ये लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है, और इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्व सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से ही प्रकाश की प्राप्ति होती है, इसीलिए कहा था कि सूर्य ग्रहण में सूर्य को डायरेक्ट अपनी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे हानिकारक किरणें आती हैं। सूर्य की उम्र कितनी है? 5 बिलियन वर्ष। और भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? 10^11 वर्ष। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लेती हैं। कितना समय लेती है पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य की किरणें? 8 मिनट 16.6 सेकंड। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरेलियस तथा दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं? ऑरोरा बोरेलियस। और दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और सूर्य के धब्बों का एक चक्र 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्षों तक धब्बा बढ़ता है, फिर 11 वर्षों तक धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई देता है, तो उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है, और रेडियो, टीवी, बिजली चलित मशीन जो होती है उसमें गड़बड़ी उत्पन्न होने लगती है।
सूर्य का व्यास कितना होता है? 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का 110 गुना है। जो पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? 110 गुना। सूर्यमा पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। कौन सा भाग मिलता है? 2 अरबवां भाग सूर्य ताप का पृथ्वी को। अब देखते ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण। सबसे पहले माना जाता था भूकेंद्र सिद्धांत था, जिसमें पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था और जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाओं में करते थे। इसका प्रतिपादन मिस्र के खगोल शास्त्री कलाडियस टाल्मी ने 140 BC में किया था। तो भूकेंद्र सिद्धांत में क्या माना गया था? पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है और सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इसका प्रतिपादन किसने किया था? मिस्र के खगोल शास्त्री कलाडियस टाल्मी ने 140 BC में किया था। फिर बाद में कौन सा सिद्धांत आया? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कापरनिकस ने दर्शाया सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है और ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र बन गया और इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत में क्या है? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत में माना गया सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है और ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र का केंद्र बन गया और इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। 16वीं शताब्दी में जोहानेस कैपलर ने ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इन्होंने भी सूर्य को ही ब्रह्मांड का केंद्र माना। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेघला की तस्वीर स्पष्ट हुई और सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव समाप्त हो गया। ये कब पता लगा? 20वीं शताब्दी में, कि सूर्य हमारे ब्रह्मांड के केंद्र पर नहीं स्थित है, वो एक हमारे मंदाकिनी दुग्ध मेघला के एक सिरे पर अवस्थित है। और इस प्रकार ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव सूर्य को समाप्त हो गया। अब सौर मंडल के पिंड देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों को 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या था? परंपरागत ग्रह। ये कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। फिर बौने ग्रह। बौने ग्रह कौन कौन से? प्लूटो, चेरान, सेरस, 2003 UB 313। लघु सौर मंडलीय पिंड कौन से? धूमकेतु, उपग्रह और अन्य छोटे खगोलीय पिंड। अब देखते हैं ग्रह किसे कहते हैं। ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। इसके लिए 3 शर्तें होती हैं। पहली शर्त है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हो, और दूसरा उनमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वे गोल स्वरूप ग्रहण कर सके, और तीसरी शर्त थी उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो और अन्य खगोलीय पिंड ना हो। अब ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पार्थिव या आंतरिक ग्रह, जिसे इनर प्लैनेट इंग्लिश में कहते हैं, और दूसरा वाह या बृहस्पतीय ग्रह, जिसे आउटर प्लैनेट बोलते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह। और बाह्य ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को। जो दूरी पे स्थित है उनको क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह। और जो सूर्य के थोड़ा पास स्थित है उसे क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। इसमें क्या क्या आते हैं? इनर प्लैनेट में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और बाह्य ग्रह में क्या क्या आते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ये जो ग्रह इन्हें अपनी साधारण आंखों से देख सकते हैं। अब आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम देखते हैं। सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। फिर कौन सा है? शनि। फिर कौन है? फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और सबसे छोटा बुध। पृथ्वी अपने 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे पहले नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। दूसरे पे शनि, तीसरे पे अरुण, चौथे पे वरुण, पांचवें पे पृथ्वी, छठे पे शुक्र, 7वें पे मंगल, 8वें पे बुध। सबसे छोटा कौन सा ग्रह है? बुध है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। अब सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम देखते हैं। सबसे पास कौन है सूर्य के? बुध है। फिर कौन है? शुक्र है। फिर कौन है? पृथ्वी है।
फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। और शुक्र और वरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रह का घूर्णन पश्चिम से पूर्व है, और शुक्र और वरुण का घूर्णन किधर है? पूर्व से पश्चिम है। अब सारे ग्रहों को देख लेते हैं। पहला ग्रह क्या है? बुध। यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई देता है। यह सबसे छोटा ग्रह है तथा इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध जो वो सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, और यह सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई देता है, और यह सबसे छोटा ग्रह, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका विशेष गुण क्या है? इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है, अर्थात ये सबसे अधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। सबसे अधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन है? बुध है। यहाँ दिन अति गर्म और रात अति बर्फीली होती है। इसका तापांतर 600 डिग्री सेल्सियस, तो दिन और रात के ताप का अंतर जो होता है वो 600 डिग्री सेल्सियस होता है, जो सबसे अधिक है। इसका तापमान दिन में 727 डिग्री सेल्सियस और तथा रात को तापमान एक -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है रात का तापमान। अब देखते हैं वीनस, शुक्र। यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह भी है, और यह सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई देता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है। इसे पृथ्वी का भग्नि ग्रह कहते हैं। यह घनत्व, आकार तथा व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। अब देखते हैं बृहस्पति यानी जुपिटर। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपनी धुरी पे सबसे कम समय 10 घंटे में चक्कर लगाता है, और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। इसका उपग्रह गैनीमीड सभी ग्रहों में सबसे बड़ा है। इसका रंग पीला है। अब देखते हैं अगला ग्रह अपना मार्स, मंगल। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है तथा इसका कक्षा तली 25 डिग्री के कोण पर झुका है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? निक्स ओलंपिया। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? ओलिपस मेसी। और ये सब कहाँ पे स्थित है? ये सब मंगल ग्रह पे ही स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपना मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया। अगला ग्रह हमारा शनि। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला कौन है? पहला बृहस्पति है, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह क्या है? शनि। इसकी विशेषता इसके तल के चारों ओर वलय का होना। वलय क्या होते हैं? मोटी प्रकाश वाली कुंडली। वलय की संख्या 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। पहला कौन सा है? बृहस्पति का जो उपग्रह है ज्ञानी मीड, वो सबसे बड़ा उपग्रह है। और दूसरा जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो शनि का है, उसका नाम क्या है? टाइटन। यह आकार में बुध के बराबर है। टाइटन की खोज डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने 1665 में की। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। जो फोबे नामक शनि का एक उपग्रह है, यह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। इसका घनत्व सभी ग्रहों और जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा।
अब देखते हैं यूरेनस यानी अरुण, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान -215 डिग्री सेल्सियस है। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों के नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। इसके सभी ग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। लेटा हुआ उपग्रह किसे कहा जाता है? अरुण को यानी यूरेनस को। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटेनिया। अब देखते हैं वरुण नेपच्यून। इसकी खोज जर्मन खगोल शास्त्री जहान गाले ने की। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसका प्रमुख उपग्रह ट्रीटोन है। अब लास्ट में देखते हैं अर्थ, हमारी पृथ्वी। पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का उसके कक्षा तल पर लंब से 23 डिग्री 30 मिनट झुका हुआ है, मतलब 23.5 डिग्री झुका हुआ है लंब से। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका पृथ्वी व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाता है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन और रात होते। पृथ्वी जो अपनी धुरी पे घूमती है उसको क्या कहते हैं? पृथ्वी की घूर्णन गति या दैनिक गति। और ये कितने समय में एक चक्कर लगा लेती है अपनी धुरी पे? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। और इसी को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। और इसी गति से पृथ्वी पे दिन और रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड यानी लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। इस समय अवधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का माध्य वेग लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति या परिक्रमण कहते हैं। मतलब जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है उसको क्या बोलते हैं? वार्षिक गति या परिक्रमण। और जो अपनी धुरी पर पृथ्वी घूमती है उसको क्या बोलते हैं? दैनिक गति या घूर्णन गति। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। और पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन, इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण तथा सूर्य की सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होता है। जो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है वो क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और सूर्य के सापेक्ष की स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होता है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात छोटा बड़ा होता है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा था? नीला ग्रह हमारी पृथ्वी को कहा जाता है। अब देखते हैं चंद्रमा, इसके उपग्रह को पढ़ लेते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? चंद्रमा को। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग ही देख सकते हैं। चंद्रमा का अक्ष पृथ्वी तल के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है? 58.48 डिग्री का पृथ्वी तल के साथ।
चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के समान के लगभग समांतर है। इसका परिक्रमण पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 दिन यानी 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकंड है। इस समय को चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। जार उठने के लिए अपेक्षित सौर और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात कितना है? 11:5। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला है कि चंद्रमा भी उतना पुराना है जितना पृथ्वी, और पृथ्वी कितनी पुरानी? 460 करोड़ वर्ष पुरानी है। इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में है। अब देखते हैं सुपर मून क्या होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं, और इसे पेरिजी मून, फुल मून भी कहते हैं। इसमें चांद 14% ज्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला होता है। अब देखते हैं ब्लू मून क्या होता है। एक कैलेंडर माह में दो पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। इसका कारण दो पूर्णिमा के बीच अंतराल 31 दिनों से कम होना है। ऐसा 2-3 साल पर होता है। अब लघु सौर मंडल की पिंड देख लेते हैं। सबसे पहले क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं, जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़े से क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त यानी गड्ढा बन जाता है। इसी का एग्जाम्पल है भारत की महाराष्ट्र की लोनार झील। लोनार झील है जो महाराष्ट्र की, वो कैसे निर्मित हुई है? क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने से ही। धूमकेतु। सौर मंडल के छोर पर बहुत छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं, जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। यह गैस और धूल का संग्रह होते हैं जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई देते हैं जब वो सूर्य की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि सूर्य की किरण इन गैसों को चमकीला बना देती है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देती है। धूमकेतु क्या होते हैं? सौर मंडल के छोर पर बहुत छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है, जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं? गैस और धूल का संग्रह होते हैं जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। और धूमकेतु केवल तभी दिखाई देते हैं जब वो सूर्य की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें इन गैसों को चमकीला बना देती हैं। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देती है। अब देखते हैं उल्का क्या होती है। उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देती हैं, जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती हैं और लुप्त हो जाती हैं। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़ों तथा धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। उल्काएं क्या होती हैं? उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़ों और धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। अब देखते हैं प्रकाश चक्र क्या होता है। वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है, क्या कहलाता है? प्रकाश चक्र। अब देखते हैं उपसौर और अपसौर क्या होता है। पृथ्वी जो होती है भाई पृथ्वी है, और ये है सूर्य। पृथ्वी सूर्य का दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, और पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास होती है इस कंडीशन में, नंबर 2 वाली कंडीशन में, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? उपसौर। और पृथ्वी जब सूर्य से बहुत दूरी पे हो, सबसे अधिक दूरी पे होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? अपसौर। उसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करती है, जिसके फोकस पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। मतलब इस कंडीशन को अपसौर बोलेंगे और इस कंडीशन को उपसौर, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी सूर्य के सबसे पास है और यहाँ पे पृथ्वी सूर्य से
सबसे ज्यादा दूरी पे है, तो ये क्या कंडीशन का, ये क्या कहलाएगी, अपसौर। और सफेद भी नंबर दो वाली कंडीशन पे होगी तो उपसौर। अब देखते हैं एप्साइड रेखा। उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। एप्साइड रेखा किसे कहते हैं, ये उपसौर यहां कंडीशन बन रही है और ये अपसौर, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजर रही है, इसी रेखा को क्या बोलते हैं, एप्साइड रेखा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।